गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेल के बाहर की दुनिया देखने को अब तरसेंगे यूपी के दुर्दांत अपराधी। जेल से ही होगी दुर्दांत अपराधियों की कोर्ट में पेशी और ट्रायल। सीएम योगी ने प्रदेश की हर जेल और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 5G का होगा इस्तेमाल। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी करीब 400 लोगों की समस्या। फरियादियों को दिया भरोसा, कहा मत करें चिंता, हल होगी आप सबकी समस्याएं। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गोरखपुर समेत 4 मंडलों की रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में बोले सीएम योगी, कहा तकनीकी का प्रयोग व प्राकृतिक खेती आज की है आवश्यकता। बागवानी, सब्जी व सह फसली खेती की ओर भी अग्रसर हो किसान। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% अकेले यूपी का है योगदान। सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 अपराधियों के ऊपर कैंपिरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। कई बच्चों का किया अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन एवं डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई मधुमेह पदयात्रा। किया गया जन चेतना व्याख्यान का आयोजन। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, डायबिटीज जैसी बीमारी को केवल कर सकते हैं कंट्रोल, पर यह बीमारी नहीं हो सकती है कभी खत्म। चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त मनीष यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लाख मीट्रिक टन धान की जाएगी प्रदेश में खरीदारी। 1 नवंबर से धान खरीद का कार्य है शुरू। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी जानकारी। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 80 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौसादर को किया बरामद, भेजा जेल। और 3 दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का हुआ शुभारंभ। 21 ब्लॉकों स्कूलों के करीब 3000 बच्चों ने किया प्रतिभाग। कहा खेलकूद से बच्चों का होता है शारीरिक और मानसिक विकास। अब खबरें विस्तार से। यूपी के दुर्दांत अपराधी जेल के बाहर की दुनिया देखने को तरसेंगे। उनकी पेशी से लेकर ट्रायल तक जेल में ही कराए जाने को लेकर यूपी सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस व्यवस्था के लागू होने पर मुख्तार अंसारी और बबलू श्रीवास्तव समेत अन्य कुख्यात अपराधियों के लिए बाहर की दुनिया सपना बन जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल में बंद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद कुख्यात अपराधियों पर और सख्ती के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि वर्तमान समय में जेल में बंद अपराधियों की पेशी और ट्रायल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने के लिए यूपी की 72 जेल और 73 कोर्ट में एक एक अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण की जरूरत है। ऐसे में इनका जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुर्दांत माफिया की मैन्युअली कोर्ट में पेशी कराने पर काफी खर्च आता है। इसके साथ ही पुलिस मैन पावर भी काफी लगानी पड़ती है। वहीं पेशी के दौरान वे अपने गुर्गों से मुलाकात करते हैं और अपराध को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे में इनकी पेशी और ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने पर इस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, ताकि पेशी और ट्रायल के दौरान कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो।
इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए, जिससे सिस्टम को समय समय पर अपग्रेड किया जा सके। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में कुल 72 जेल ऑपरेशनल है, जिसमें 62 जिला जेल, 7 सेंट्रल जेल, 1-1 नारी बंदी निकेतन, आदर्श कारागार और किशोर सदन है। इनमें बंद विचाराधीन कैदियों की पेशी और ट्रायल प्रदेश के 73 कोर्ट में होती है। डीजी जेल ने बताया कि वर्तमान में सभी जेल और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए 1-1 कक्ष है, लेकिन वर्तमान में बंदियों की संख्या ज्यादा होने से पूरा दिन इनकी पेशी में ही चला जाता है। ऐसे में शासन को यूपी की सभी जेलों और कोर्ट में 1-1 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण के लिए पत्र लिखा गया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केवल पेशी ही होती है, ऐसे में सभी कैदियों का ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर ही मुख्यमंत्री ने मुहर लगाते हुए जेल और कोर्ट में 1-1 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण के निर्देश दिए हैं। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि कैदियों की 100% पेशी और ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने से अपराधी के फरार होने की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। साथ ही दुर्दांत कैदियों द्वारा पेशी के दौरान लोगों को धमकाने, मोबाइल से परिजनों से बात करने और अपने गुर्गों के साथ अपराध को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचने जैसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर हाल में सबकी पीड़ा का निवारण कराया जाएगा, यह उनके सरकार की प्राथमिकता है। हर मामले में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिन्हें इलाज की आवश्यकता है उनके मुकम्मल इलाज की व्यवस्था की जाएगी, इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण उसकी संतुष्टि के मुताबिक कराया जाएगा। सीएम योगी ने सोमवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 400 लोगों की समस्याएं सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद गए। बड़े इत्मीनान से एक एक कर उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी, उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को जरूरी निर्देश के साथ संदर्भित किया और लोगों को आश्वस्त किया कि परेशान मत होइए, समस्या के समाधान के लिए त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान इलाज के लिए मदद की गुहार करने आई एक महिला से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन में उपलब्ध कराया जाए, एस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि उक्त महिला समेत सभी जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाए। पुलिस व राजस्व से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मामले में समाधान जल्दी से हो, साथ ही कार्रवाई ऐसी हो कि फरियादियों को दोबारा परेशान न होना पड़े। जनता दर्शन में कई जिलों से फरियादी पहुंचे थे। इस दौरान महिला फरियादियों के साथ आए उनके बच्चों को मुख्यमंत्री ने प्यार दुलार कर आशीर्वाद दिया। बच्चों को चॉकलेट देने के साथ ही उनकी माताओं को समझाया कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके बैग, कॉपी किताब, यूनिफॉर्म, जूता मोजा आदि की निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। फोन मार दिया, अरे आपने दे दिया, बोलो कोई बोलने तो किसी क्या उपचार करा रहे हैं। अरे उसको देख करके एस्टिमेट वगैरह बनवाओ। आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, कार्ड में नहीं है तो कार्ड बनवाओ, नहीं तो उसका सहयोग करो, एस्टिमेट बना के भेजो। क्या है क्या है हम समय बाबा साथ हमारी को सुनते हैं चिंता। ये महाराजगंज का कार्रवाई करने के लिए घबराऊ, आप बताएं क्या कार्रवाई करें। इस विभाग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेती में
अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग व प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें गो आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। यह जीरो बजट खेती है, इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती में तकनीकी से उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। थोड़ी जागरूकता व सावधानी से प्राकृतिक खेती के जरिए कम लागत में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर किसान आमदनी बढ़ा सकते हैं। परंपरागत खेती को आधुनिक तरीके से करने के साथ किसानों को बाजार की मांग और कृषि जलवायु क्षेत्र की अनुकूलता के आधार पर बागवानी, सब्जी व सह फसली खेती की ओर भी और अग्रसर होना होगा। इससे उनकी अधिक से अधिक आमदनी हो सकेगी। सीएम योगी सोमवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ व देवीपाटन मंडल की रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। खेती किसानी यहाँ की आमदनी का एक बड़ा जरिया है। देश की सबसे अच्छी उर्वरक और भूमि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की भूमि की उर्वरकता व जल संसाधन की ही देन है कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 12% हिस्सा होने के बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 20% का है। इसे अभी 3 गुना तक बढ़ाए जाने की संभावना है। सीएम योगी ने कहा कि समय पर अच्छी गुणवत्ता का बीज तथा तकनीकी का प्रयोग कर हमें कम लागत में अधिक उत्पादकता बढ़ाने में सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही मंशा है कि खेती की लागत को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाई जाए ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। इसके लिए व्यापक कार्यक्रम व अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल उत्पादन में रबी का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें भी मुख्य फसल गेहूं की होती है। गेहूं उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों से परामर्श, समय पर बीज व पानी की व्यवस्था कर सरकार किसानों की भरपूर मदद कर रही है। किसानों के हित में पहली बार फसल बीमा योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 साल के कोरोना काल में सिर्फ कृषि सेक्टर की उत्पादकता बढ़ी, किसानों ने दुनिया को निराश नहीं होने दिया। खेतों में अन्न पैदा होता रहा तो गरीबों को मुफ्त में राशन लेने की दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई गई। देश में 80 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रति माह मुफ्त में 2 बार राशन दिया गया। सरकार ने भी किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP देने के साथ ही यह सुनिश्चित किया कि महामारी के चलते किसी के भी रोजगार पर असर ना पड़े और ना ही किसी को खाने के लाले पड़े। जन कल्याणकारी सरकार का यही कार्य भी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पिछले 5 साल में प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिली है। सरयू नहर परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई सुनिश्चित हुई है। हर जिले में व्यापक स्तर पर नलकूप की स्कीम चलाने के साथ सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए PM कुसुम योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने सभी चीनी मिलों का संचालन किया। किसानों को 1.80 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। एक बार फिर चीनी मिलों में पेराई सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। सरकार ने पिपराइश व मुंडेरवा में चीनी मिलों को चलाकर गन्ना किसानों के हित में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में धान क्रय केंद्र खोले जाएं ताकि अन्नदाता आसानी से अपनी उपज बेच सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 3 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। धान, बाजरा, मक्का सभी फसलों का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करते हुए किसानों के खातों में DBT के माध्यम से धनराशि यथाशीघ्र उनके बैंक खाते में अंतरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में प्रदेश के कृषि,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 5 सालों से देश में सर्वप्रथम है। देश में 32% गेहूं का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खेती की गुणवत्ता के लिए अधिक मात्रा में खाद के प्रयोग से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे बीज, समय पर बुआई व तकनीकी के कारगर प्रयोग से किसान उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार सभी ब्लॉकों में 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में अनुदानित बीज की मात्रा 4.5 लाख कुंतल से बढ़ाकर 7.5 लाख कुंतल कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार दलहन व तिलहन के 4 लाख मिनी किट किसानों में वितरित कर चुकी है। पराली जलाने की समस्या का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले न्यूनतम है। किसानों के हित में प्रदेश सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 450 करोड़ रुपए का अनुदान कृषि यंत्रों पर दिया गया है। पिछले 5 साल में 27,000 सोलर पंप लगाए गए हैं। रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान से गन्ने की खेती का रकबा 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। दुनिया में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी के प्रयासों से ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा आदि मोटे अनाजों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अनुरूप प्रदेश सरकार 2.5 लाख किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगी। कृषि मंत्री ने अनुरोध किया कि सांसद रवि किशन शुक्ला मोटे अनाजों के ब्रांड एम्बेसडर बने। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनगिनत योजनाएं चला रही है। उन्होंने कई योजनाओं का उल्लेख करने के साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश के किसानों का 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। पहले जहां यूरिया के नाम पर लाठी चलती थी, वहीं अब यूरिया सहज उपलब्धता है। मुख्यमंत्री ने कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद, उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, विधायक गण विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, श्री राम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान आदि मौजूद रहे। आभार ज्ञापन अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खजनी के विधायक श्री राम चौहान एवं प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, एक महीना, 3 महीने और 5 महीना और 7 महीना, ये 4 महीनों में बोरोन की जरूरत पड़ती है, तो बोरोन का प्रयोग आप जमीन में भी। उत्तर मंडल में आयोजित कृषि रवि गोष्ठी में हमारे बीच में टेक्निकल सेशन में किसान प्रयोग सिर्फ हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देसी गाय के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। प्राणी मात्र के प्रति सरलता एवं निरंतरता के प्रतिपालक तथा सकारात्मकता की सोच से सभी को समृद्ध करने के लिए संकल्पित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कर्णध्वनि के साथ जोरदार स्वागत, वंदन एवं आदित्यनाथ जी महाराज का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान श्री सूर्य प्रताप शाही जी का हार्दिक स्वागत एवं निशा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय उद्यान राज्य मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का कॉलेज जी का एवं हार्दिक स्वागत माननीय सांसद सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद बासा श्री कमलेश पासवान जी के साथ रहे हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से महान जितेंद्र राज्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया जा रहा है। हम सभी इस ईश्वर के समक्ष अपने गुरुओं के प्रति पुष्प अर्पण का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ आप सभी का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम माननीय राज्य मंत्री महोदय को पुष्पों का भेंट करते हैं। उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। मंत्रियों से हार्दिक स्वागत एवं गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर
पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, माननीय संजय निशा जी, माननीय मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश बलदेव सिंह औलख जी, माननीय राज्य मंत्री कृषि, माननीय कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद बासगांव श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सहजनवा महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक बिबराइश राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिलुपाल श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक बांसगांव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव, बाकी मंचासी सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी किसान भाई बहन आए हैं और जितने भी खेती से जुड़े लोग आए हैं, मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये समय बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जब पूज्य महाराज जी ने, आप लोगों को याद होगा, मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो सबसे पहला काम किया था 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों का माफ कर दिया था। 32,000 करोड़ का कर्ज। मैं चाहूंगा महाराज जी के लिए जोरदार सभी लोगों के ताली बजे के चाहे, क्योंकि महाराज जी के कथनी करनी में अंतर ना होगा। आज रबी की खेती पर गोष्ठी बात, और मैं भी इन दौरान काफी किसान भाइयों से मिला, ब्लॉक पर भी गया, बहुत सारी बातें हुई। एक बार माननीय सांसद जी कमलेश पासवान जी, एक समय वो रहे महाराज जी जब यार यूरिया के नाम पे माननीय सांसद जी लाठी चला था, यूरिया के नाम पर यहाँ पे लाठी चलती थी। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य महाराज जी की सोच के आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारे देश का किसान, आज हम लोग एक्सपोर्टर्स बन गए। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूज्य महाराज जी जानते हैं कि ये देश का भविष्य किसानों के कंधे पर। मैं आज आप सबका हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने अब तक 12 मंडलों की रवि गोष्ठी 3 स्थानों पर की है, और आज गोरखपुर में 4 मंडलों की, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती और देवी पाटन की यह रवि गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है। ये अपने में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से लगातार खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्थान पर है, और उसमें जो गेहूं की हमारी भागीदारी है वो जितना देश में हम पैदा कर रहे हैं उसके 32% अकेले गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहा है। आप कैसे जानते हैं कि सब्सिडी के लिए प्रमाण पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के घर पर एसी सोलर 88,756 रुपीज की सब्सिडी का प्रमाण पत्र, योजना के लिए बिना क्षतिपूर्ति खरीद की धनराशि 2,21,843 रुपए के लिए 21,398 रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के। इसके पश्चात श्री जय प्रकाश तिवारी जी गुंडा एफपीओ से प्राप्त करते हुए एक बार जोरदार तालियां एवं सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आपका बलत रबी उत्पादकता इस समीक्षा के लिए आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक गोष्ठी क्या इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृषि कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री श्री संजय निशा जी,
उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि श्री भूदेव सिंह भोला जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव से माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री डॉक्टर बंदेश पासवान जी, प्रदीप शोभा जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, आज के इस रवि गोष्ठी में वर्चुअली जुड़े हुए सभी जनपदों के जिलाधिकारी गण, सभी कृषि और उससे जुड़े हुए विभागों के अधिकारीगण, अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आपने रवि गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के महत्वपूर्ण सुझावों और अनुभवों को सुना होगा। आप में से बहुत सारे किसान अपने इस अनुभव से स्वयं भी जानकारी रखते होंगे और उसको साझा करते होंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति यह है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहां पर प्रारंभ में कहा गया कि समय पे बीज बोना, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक अभियान उसी श्रेणी का हिस्सा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रवि गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवि की फसल प्रदेश के अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसमें मुख्य फसल गेहूं की। हम सब जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उससे जुड़े हुए अन्य फसलों को लेकर हम लें तो उत्तर प्रदेश की उसमें एक बड़ी भूमिका है, लेकिन समय पे बीज, समय पर खाद, समय पे पानी, समय पे तकनीक, हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिकों के साथ उनको जोड़ना, ये सभी चीजें अगर एक साथ हो जाए और सरकार ने जो सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई है, आप देख रहे होंगे पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने का कार्य हुआ। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर
21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की और जिस कमिश्नरी से जुड़े हुए मंडलीय रवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से इसमें देवीपाटन बस्ती और गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद 9 जनपद इससे जुड़े हुए हैं। हर प्रदेश के अंदर हर जनपद में व्यापक पैमाने पर नलकूप स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया है और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भी सोलर पंप के माध्यम से फ्री में हर किसान अपने खेत में बिना डीजल खर्च के बिजली का कनेक्शन लिए वहां पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था भी पीएम कुसुम योजना के माध्यम से यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में जागरूक हो जाए, क्योंकि आपने इस बात को देखा होगा कि खेती में तकनीक आज की आवश्यकता है और इसमें दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो हम तकनीक जो हमारे पास परंपरागत रूप से कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाती है और जिस पर आज दूसरा ध्यान दिया जा रहा है वह है प्राकृतिक खेती के माध्यम से। प्राकृतिक खेती एक प्रकार की जीरो बजट खेती है, गौ आधारित खेती है। हमने देखा है कि उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और उस अच्छे परिणाम को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा हम विगत 2.5 वर्ष से पूरा देश पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना में पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, पस्त हो गई। अकेले कृषि सेक्टर एक ऐसा था जहां पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अन्नदाता किसानों ने उस विपत्ति के समय भी दुनिया को निराश नहीं होने दिया, लगातार हमारा किसान मेहनत करता रहा। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि खेती से अन्न पैदा होता था तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कराया। और भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी। एक और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन था, एमएसपी का लाभ नहीं देना, एमएसपी को लागत का डेढ़ गुना कर देना, जहां इसको इसके साथ जोड़ा गया वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोरोना जैसी महामारी के कारण अगर किसी के रोजगार और नौकरी पर असर पड़ा है तो उसके सामने खाने के लाले न पड़े बल्कि उसको फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यह भी व्यवस्था दी गई। और 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम लोगों ने महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, यही किसी लोक कल्याणकारी सरकार का कार्य होता है। प्रदेश 119 जिलों को कोरोना का खंड में वो चला रहे थे और विगत 5.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का केवल गन्ना किसानों के खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार कराने में सफल रही। हर एक सेक्टर में कुछ नया हुआ है लेकिन थोड़ी सी जागरूकता हमें खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज यहां पर इस सेक्टर से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा, अन्य कार्मिकों के द्वारा इस विषय में तमाम जानकारियां मिलने का अवसर प्राप्त होगा और मुझे लगता है कि जानकारी और अनुभव को साझा करने, आधुनिक अत्याधुनिक जानकारी और तकनीक का उपयोग करते हुए हम लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। जो बात यहां पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कही कि वर्तमान में धान के क्रय केंद्र भी प्रारंभ हुए हैं, चारों कमिश्नरी से जुड़े हुए जिलाधिकारीगण होंगे, मुख्य विकास अधिकारीगण होंगे। मैं उन सबसे कहूंगा कि अन्नदाता किसान जितने भी क्रय केंद्र की मांग करे आसानी से वहां पर क्रय केंद्र उपलब्ध करवाना
और उसकी उपज को क्रय करने के साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग हम लोग अब तक 3 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करने में हमें लगभग सफलता प्राप्त हो चुकी है। और प्रदेश के अंदर जितना भी अन्नदाता किसान धान की फसल को, बाजरा को, मकई को क्रय केंद्रों पर लेके आएगा, उन सब का क्रय सरकार करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में डालने का कार्य करेगी। इसके साथ ही चीनी मिले भी यहां प्रारंभ होने जा रही है कि प्राइस में नई चीनी मिल खुल चुकी है, मुंडेरवा ने नई चीनी मिल में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस दिशा में और भी नए कार्य हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम जहां परंपरागत खेती को तो आधुनिक तरीके से लागत को कम करने में सफलता प्राप्त होगी ही, हमें बागवानी की ओर जाना पड़ेगा, सब्जी उत्पादन की ओर भी जाना पड़ेगा, साफ फसलियों को भी हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिससे किसान अधिक से अधिक आमदनी अपनी बढ़ा सके। इस रवि गोष्ठी के अवसर पर मैं एक बार फिर से चारों कमिश्नरी से आए हुए सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, कृषि विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज पूरे दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सही अत्याधुनिक जानकारी अन्नदाता किसानों तक उपलब्ध कराने और शासन की सुविधा को भी आसानी तक उन तक पहुंचाने की उन सभी प्रकार की जानकारी उन तक देंगे। आप सभी किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि जो यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं इन पंडालों का भी आप जरूर अवलोकन करना, बहुत सारी जानकारी आपको उससे प्राप्त होंगी, देखने का अवसर मिलेगा, शासन की स्कीम की जानकारी भी आप सबको प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी काम कर रहे हैं, रबी उत्पादकता की गोष्ठी हो रही है। निश्चित रूप से इस गोष्ठी के माध्यम से किसानों को नई तकनीक, नई जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से मिलती है। विभागीय कितनी योजनाएं चल रही हैं उन सबों की भी जानकारी किसानों को मिलती है और उसका लाभ उठा करके किसान अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करता है। खेती किसानी में विकास को आगे बढ़ाने में गोष्ठी सफल होती है। देखिए, ये रवि उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी है जिसके भीतर उत्तर प्रदेश हमारा राज्य लगभग 130 लाख हेक्टेयर में रवि की फसल को उगाता है और देश के भीतर सर्वाधिक आच्छादन रवि की फसलों का उत्तर प्रदेश के भीतर होता है और उसमें 100 लाख के करीब हम जो है वो गेहूं की फसल का उत्पादन करते हैं और इसी प्रकार से लगभग 12-13 लाख हेक्टेयर के भीतर हम दलहन की और उतने ही तिलहन की खेती करते हैं और 10 लाख हेक्टेयर के करीब आलू की फसल लगाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस गोष्ठी का अपने में एक महत्व है जिससे कि जिला स्तर पर नियोजित करके लक्ष्य के अनुसार, जैसे इस साल हम लोगों ने 135 लाख हेक्टेयर के भीतर रवि की खेती करने का लक्ष्य रखा है, तो वो लक्ष्य पूरा हो सके और राज्य का उत्पादन 635 लाख मेट्रिक टन से अधिक हो, यानी इस साल 35 लाख मेट्रिक टन हम अपना उत्पादन बढ़ाए जाने की दृष्टि से इसका यह अभियान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य के भीतर ले रही है। और हम लोगों ने सभी कमिश्नरियों का, मेरठ कमिश्नरी को छोड़ करके और मन पश्चिम के मेरठ और मुरादाबाद और सहारनपुर को छोड़ करके लगभग सभी कमिश्नरियों का इस तरीके का आयोजन किया है जिसके भीतर एक बेहतर तरीके से हम लोगों ने रक्ष रखा है। साथ साथ में ये सीजन जो है वो गन्ने की खेती भी होती है। राज्य के भीतर हमारे जो है इस समय 26 ले लेकर के 27 लाख हेक्टेयर के भीतर गन्ने की खेती हो रही है, लेकिन एक फसली गन्ना लोग उगाते हैं जिसमें एक वर्ष का समय लगता है। किसान भाइयों को इसलिए भी जागरूक किया जा रहा है कि उसके भीतर गन्ने के क्षेत्र के भीतर जो दो गन्नों के मेड़ों के बीच में लगभग 32 इंच की ज़मीन, 30 से 32 इंच ज़मीन खाली रहती है, तो उसके भीतर वो आलू की खेती करें, गेहूं की फसल लगाएं, जौ की फसल लगाएं,
तिलहन की फसल लगाएं या दलहन की फसल लगाएं, चना मसूर लगाएं, तो इसके लिए उनको जानकारी हो। यदि उनके सामने ये जानकारियां होंगी तो वो उधर आगे जब बढ़ेंगे तो उनकी आमदनी में इजाफा होगा और साथ साथ में राज्य का उत्पादन भी बढ़ेगा। और इसलिए टेक्निकल सेशन इसके लिए भी वैज्ञानिकों के द्वारा उनकी बात को रखी जाती है। राज्य में हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र, 75 जनपदों के भीतर 89 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे संचालित हैं। वहाँ पर भी मल्टी क्रॉपिंग का हमने उनको डायरेक्शन दे रखा है कि मल्टी क्रॉपिंग का वो मॉडल प्रोजेक्ट खड़ा करें, जिससे किसान आकर के उनके फार्मों पर देखेगा तो उसको जाकर के करेगा। अगला साल 2023 मोटे अनाजों के खेती करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है। उत्तर प्रदेश उसके लिए अपनी एक विशेष नीति बना रहा है और हम 2.5 लाख किसानों को अगले 3 साल के भीतर मोटे अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहन उनको प्रोत्साहित करेंगे। और उसके लिए हमारी नीति लगभग बन गई है, जो अभी कैबिनेट को जाने वाली है माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से, तो वह एक उसके ऊपर फोकस करेंगे। प्रदेश में इस समय खरीफ से ही हम लोगों ने प्राकृतिक खेती का एक अभियान शुरू कराया है, गो आधारित प्राकृतिक खेती का। बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में वो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। राज्य के अन्य जनपदों के भीतर भी कुल मिलाकर के 70 जनपद के भीतर नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम के योजना के अंतर्गत और साथ साथ में उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती, ये कुल मिलाकर के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर हम इस साल जो है वो प्राकृतिक खेती का उत्पाद भी तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है और उस पर हमारा काम शुरू हो गया है। पूरे दुनिया के भीतर इस समय नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, उनकी बेहतर कीमतें भी मिल रही हैं और इसलिए उसके मार्केटिंग का भी प्रबंध कर रहे हैं और साथ साथ में उसके लिए लैब भी बना रहे हैं। लखनऊ का लैब बन गया है, मेरठ के भीतर लैब पूरा होने वाला है, वाराणसी में एक लैब बन रहा है और एक जो है वो आगरा के भीतर, तो 4 लैब नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट के टेस्टिंग के लिए हम बना रहे हैं। साथ साथ में अपने 4 कृषि विश्वविद्यालयों के भीतर भी टेस्टिंग लैब बनाएंगे जहां उसका वैलिडेशन किया जा सकेगा। तो इस तरीके से राज्य हमारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक युग के अनुसार जो आज की मांग है देश की और दुनिया की, उसको पूरा किए जाने के लिए कृषि विभाग किसानों के माध्यम से उसको उत्पादन करा करके उनको बेहतर कीमतें मिल सके। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि किसान की आमदनी 2 गुना बढ़ाना और उसको अब सिर्फ किसान ही नहीं साथ साथ में उसको व्यापार की ओर आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारी योजनाएँ विभिन्न योजनाएँ हमारी FPO की योजना चल रही है, कृषि उत्पादक संगठनों की, कृषि आधारभूत संरचना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, MSME सेक्टर के भीतर उद्योगों को लगाए जाने की, तो एक इंटीग्रेटेड प्रयास उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस काम के लिए कर रही है। मंत्री जी, देखिए 60% अनुदान पर 40% किसान लगाता है, 60% अनुदान हम देते हैं, यानी राज्य सरकार और भारत सरकार मिल करके देते हैं। और इसके लिए इस उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने व्यापक अभियान शुरू किया है। इस साल अभी अब तक 15,000 सोलर पंप हमने खोले हैं कुसुम योजना के भीतर और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो लक्ष्य हमने उन जनपदों को दिए हैं अभी भी रिक्त हैं, उसमें किसान भाई आगे आएँ और बारहों महीने पानी की सुनिश्चितता वो अपने खेत में कर सकें। इसके लिए वो यदि आगे बढ़ते हैं तो अभी जो मुख्य रूप से खरीफ और रबी की खेती होती है और जायद की फसल हमारे पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत कम की जाती है, तो जायद के फसलों में भी खासतौर पर साग सब्जियों, तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी आदि के उत्पादन करके वो लाभ कमा सकेंगे, इसलिए उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशंसक हैं वो, ये देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या खा रहे हैं तो उसको वो भी उसका अनुकरण करते हैं, तो इसलिए हम जो है वो रेसिपी उसकी तैयार कराएंगे। और उसके रवि किशन जी के माध्यम से चूंकि वो भोजपुरी क्षेत्र के भीतर एक लोकप्रिय फिल्मी कलाकार भी हैं और साथ साथ में सांसद भी हैं, तो हमारे काम में वो योगदान दे सकेंगे, इसलिए मैंने इस बात। कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिनकी पहचान ब्रह्मदेव यादव पुत्र सुदेश यादव, दूसरा विकास यादव पुत्र रामकृपाल यादव, तीसरा शैलेश यादव पुत्र महेश यादव, चौथा मनीष कुमार यादव पुत्र दीपचंद यादव, निवासी गण ग्राम इंदरपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SP नॉर्थ
ने बताया कि चारों अभियुक्तों ने एक साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिनके ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14/11/2022 को थाना कैंपियरगंज में एक सामूहिक बलात्कार के मामले में चार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इन चारों अभियुक्तों ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। ये चारों अभियुक्त जेल में हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि संपत्ति जब्तीकरण व अन्य कार्रवाइयां भी आगे साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। सोमवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ व देवीपाचन मंडल की रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम स्थल परिसर में लगाए गए कृषि प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी में कृषि, उद्यान आदि विभागों की तरफ से प्राकृतिक खेती, तकनीकी कृषि यंत्रों व विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बच्चों को अन्नप्राशन किया तथा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया, जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ और प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भी होती है। जैव उर्वरक जीवाणु विशेष प्रकार के माध्यम और वनस्पतियों की तत्वों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती और अच्छा ये बताइए तो लीक करेंगे कैसे? ये भी पानी तो भाई।
अपनी माँ के पास ले लो। शाबाश, हाँ डरना नहीं है। भैया भैया हाथ हाथ भैया राजीव जी चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेल के बाहर की दुनिया देखने को अब तरसेंगे यूपी के दुर्दांत अपराधी। जेल से ही होगी दुर्दांत अपराधियों की कोर्ट में पेशी और ट्रायल। सीएम योगी ने प्रदेश की हर जेल और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 5G का होगा इस्तेमाल। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी करीब 400 लोगों की समस्या। फरियादियों को दिया भरोसा, कहा मत करें चिंता, हल होगी आप सबकी समस्याएं। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गोरखपुर समेत 4 मंडलों की रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में बोले सीएम योगी, कहा तकनीकी का प्रयोग व प्राकृतिक खेती आज की है आवश्यकता। बागवानी, सब्जी व सफसली खेती की ओर भी अग्रसर हो किसान। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% अकेले यूपी का है योगदान। सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 अपराधियों के ऊपर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। कई बच्चों का किया अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन एवं डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई मधुमेह पदयात्रा। किया गया जन चेतना व्याख्यान का आयोजन। एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, डायबिटीज जैसी बीमारी को केवल कर सकते हैं कंट्रोल, पर यह बीमारी नहीं हो सकती है कभी खत्म। चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त मनीष यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लाख मीट्रिक टन धान की जाएगी प्रदेश में खरीदारी। 1 नवंबर से धान खरीद का कार्य है शुरू। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी जानकारी। अब
अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 80 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौसादर को किया बरामद, भेजा जेल। और 3 दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का हुआ शुभारंभ। 21 ब्लॉकों स्कूलों के करीब 3,000 बच्चों ने किया प्रतिभा, कहा खेलकूद से बच्चों का होता है शारीरिक और मानसिक विकास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन एवं डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर सिविल लाइन स्थित एक निजी मैरिज हॉल में लोगों को डायबिटीज से जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा मधुमेह पदयात्रा एवं जन चेतना व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर रही। चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ने मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। पदयात्रा सिविल लाइन से प्रारंभ होकर जिला परिषद रोड, कचहरी चौराहा, गोलघर, गणेश चौराहा होते हुए निजी मैरिज हॉल पर समाप्त हुआ, जिसके संबंध में चिकित्सकीय सलाहकार डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे विश्व में मधुमेह रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जो लोग मधुमेही हैं उनमें से अधिकांश का रक्त शुगर, ब्लड प्रेशर और रक्त वसा नियंत्रण में नहीं रहता है, क्योंकि उनको अपनी बीमारी के बारे में ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 2003 से जन जागरूकता के क्षेत्र में डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन कार्य कर रहा है और कोरोना काल में भी इंटरनेट और प्रतिमा जूम मीटिंग के माध्यम से इस कार्य को जारी रखा। वहीं एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि आने वाले समय में मधुमेह दुनिया की नंबर वन बीमारी होगी। पहले 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को डायबिटीज जैसी बीमारी होती थी, लेकिन इस समय छोटे छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों में भी यह बीमारी हो रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। जिनको डायबिटीज की शिकायत है वह अपने डॉक्टर से परामर्श करके समय पर दवाई खाने से डायबिटीज जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डायबिटीज बीमारी खत्म नहीं होगी और हो भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डायबिटीज जैसी बीमारी को कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल को बदलें, ज्यादा से ज्यादा टहलना, खेलकूद, व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें और अपने खान पान में कंट्रोल रखें, बाहर की कोई भी चीज ना खाएं, गेहूं की रोटी के साथ साथ एक बाजरे की रोटी जरूर खाएं ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इस अवसर पर संरक्षक कमल चौरसिया, अध्यक्ष वेद आनंद दुबे, उपाध्यक्ष डॉक्टर विद्यावती, सचिव प्रदीप चंद्र तिवारी, धर्मेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, राकेश सोनी सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत गुप्ता एवं चिकित्सा सलाहकार आलोक कुमार गुप्ता और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, धूप में आने तब चेहरा सही। Thank you.
शुभकामनाएं, स्वागत। इस कार्यक्रम का डायबिटिक सेल्फ केयर एसोसिएशन जो डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता के पहले आपको हमारे डॉक्टर आलोक और डॉक्टर अभिजीत बता चुके हैं कि हमारे बहुत पहले के ज़माने में डॉक्टर फ्रेडरिक हुआ करते थे, जिन्होंने मधुमेह की बीमारी को ठीक करने के लिए इंसुलिन का उपयोग किया था, उसको डिस्कवर किया था। तो उन्हीं की याद में हम इस दिवस को मनाते हैं और हर साल जब भी हम 14 नवंबर को ये दिवस मनाते हैं एक एक थीम उसके साथ जुड़ते हैं और इस बार की थीम एजुकेशन के ऊपर है। जैसे कि सर ने भी आपको बताया एक्सेस टू एजुकेशन, और एजुकेशन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके पहले कि मैं अपने बात आपके समक्ष रखूं, सबसे पहले मैं बागेश्वरी मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर आपने इतनी सुंदर कविता यहाँ पे सबके समक्ष प्रस्तुत की, हम आपसे परमिशन लेके ये कविता अपनी अभी आने वाली ये कॉन्फ्रेंस 19 और 20 तारीख को हुई इसमें है, तो उसमें आपके कमेंट करना चाहें और उसके अनुमति लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत गुप्ता, चिकित्सक, डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के द्वारा। इसमें हर साल एक मोटो दिया जाता है। इस साल का हमारा मोटो है आज शिक्षित तो कल सुरक्षित, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बदलती जीवन शैली के साथ हमारे युवाओं में डायबिटीज़ की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसा आकलन है कि आने वाले वर्ष 2045 तक हिंदुस्तान में 60% डायबिटीज़ के रोगियों में वृद्धि होने की संभावना है। इस चीज़ को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम अपने आज के वर्तमान के जो यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको जागरूक करें ताकि हमारी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी डायबिटीज़ से बची रहे। इस जागरूकता के लिए हम लोग आज एक डायबिटीज़ वॉक का आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने एक लेक्चर का और साथ में कुछ समारोह का आयोजन किया है, जिसके द्वारा हम ये कोशिश करेंगे कि लोग डायबिटीज़ के प्रति सचेत हों और समय से अपने इलाज को उसके लिए गंभीर हो सकें, ताकि आने वाले समय में वो जटिलताओं से और कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। देखिए, आज हम लोग यहाँ 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष में 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में बचपन से जानते आए हैं, लेकिन पूरे विश्व में 14 नवंबर सन 1993 से मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी जन जागरूकता अभियान के एक कार्यक्रम के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, रैलियाँ बच्चों को निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि इस साल हमारे अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ फेडरेशन, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने जो ध्येय वाक्य दिया है, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, आज शिक्षित कल सुरक्षित, तो हमें जनता को जो मधुमेही हैं या जो मधुमेही नहीं हैं, बच्चों को, सबको जीवन शैली जनित जो बीमारियां हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब के प्रति उन्हें जागरूक करना है कि वो अगर उचित अच्छी जीवन शैली बचपन से ही अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो आगे चल करके वो बहुत सी जटिलताओं से, बीमारियों से बचेंगे और एक अच्छा स्वस्थ आयु पाएंगे। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम है कि आज शिक्षित तो कल सुरक्षित। तो आज हमारा मेन ध्येय है लोगों को शिक्षित करना इन दूषित जीवन शैली जनित बीमारियों के प्रति। मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता हूं, डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर से। मैं उत्तर प्रदेश डायबिटीज़ एसोसिएशन का वर्तमान अध्यक्ष हूं और डायबिटीज़ सेल्फ केयर एसोसिएशन गोरखपुर में एक संस्था है जो 2003 से इस जन चेतना कार्यक्रम के लिए लगातार काम कर रही है और हर महीने हम बैठक करते हैं अपने मधुमेह रोगियों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, और कोरोना काल में हमने जूम मीटिंग शुरू किया, हर महीने हम जूम मीटिंग करते हैं। तो उसी संदर्भ में दो साल से, चूँकि हम ये फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाए थे, तो इस साल हम एकत्रित होकर के 14 नवंबर को कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का, जैसे कि आप जानते हैं कि हम विश्व मधुमेह दिवस मना रहे हैं,
और इसका जो इम्पोर्टेंट थीम है वो लोगों को एजुकेट करना है और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, जो कि एक पब्लिक हेल्थ लेक्चर के हिसाब से रखा गया। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ स्काउट बच्चे भी आए और हर सेक्शन से लोग थे, बुज़ुर्ग भी थे और महिलाएँ थी और यंग लोग भी थे। और ये जो कार्यक्रम डॉक्टर आलोक ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया ये बहुत अच्छा था। इसमें कुछ जानकारी जो हम बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि डायबिटीज़ या मधुमेह जो है वो दुनिया की नंबर वन बीमारी होगी और भारत में बहुत ज़्यादा लोग इसमें इससे ग्रसित होंगे। नंबर वन, नंबर टू जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो एज है, पुराने ज़माने में तो 50 के ऊपर हुआ करती थी, अब छोटे छोटे बच्चों से लेके यंग लोगों में भी हो रही है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और इसी के लिए ये जागरूकता अभियान, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर सकें डायबिटीज़ कंट्रोल के बारे में, उसकी जाँच के बारे में, और डायबिटीज़ से भागे ना और गलत जानकारी के बजाय वो अपने कंसल्टेंट्स या किसी चिकित्सक को दिखा के उनसे परामर्श लें और दवाई लें और रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो मेरे ख्याल में डायबिटीज़ को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो डायबिटीज़ अगर उनमें ना हो, इसके लिए वो लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अपने खान पान का व्यवहार थोड़ा बदल सकते हैं, साथ ही साथ वो खेल कूद, मतलब बैठने वाली ज़िंदगी जो है उससे हट के अपने को एक्सरसाइज और खेलकूद में थोड़ा सा व्यस्त रखें तो शायद किसी हद तक हम लोग डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में सक्षम होंगे। नहीं नहीं, डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हुआ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम क्योर कर सकते हैं, इसका इलाज है जिससे शुगर कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता। संदेश हम यही देना चाहेंगे कि आने वाले समय में हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें और आगे ना फैलने दें, तो उसमें हमारे जितने भी जो मदर्स हैं और जो वयस्क हैं, जो फैमिली के लोग हैं, वो दो चीज़ों का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखें। एक तो अपनी लाइफस्टाइल बदलें, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा चलना फिरना और खेल कूद उसके लिए प्रेरित करें। और दूसरा है खान पान, और खान पान में जो है अपना खाना कंट्रोल रखें। बाहर के जैसे बच्चे आजकल पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब खाते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। और तीसरा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जैसे हमने बताया कि सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, अपने खाने में मिलेट इंक्लूड करें, बाजरा, ज्वार, रागी, इसकी जैसे रोटियां बना करके तो अपने खाने में थोड़ा थोड़ा ये इंक्लूड करेंगे तो फाइबर, मिनरल्स और डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, और गलत जानकारी मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ना लें। आप ऑथेंटिकली आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और उनके साथ बात करके आप उसका निवारण कर सकते हैं। घरेलू उपाय भी, घरेलू उपाय में ऐसा बताया जाता है कि देखिए करेला और नीम का जो रस होता है वो इसमें फ़ायदा करता है, लेकिन क्योर नहीं करता, दवाई आपकी बंद नहीं होंगी। आप ये मान के चलें कि कोई भी दवा लेने से ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा नहीं है आज मैंने दवाई ली और जादू से ख़त्म हो गया। बीमारी आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, एक बार डायबिटीज़ हो गई, लेकिन हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आपका 400 था, आप नॉर्मल में ला सकते हैं। नॉर्मल में लाने के लिए आपको कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, खान पान में बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको करने, और थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जो हैं आपकी शरीर को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अगर करेंगे तो हम बहुत हद तक अपनी कम दवाइयों के रहते हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड शुगर। कैंट थाने की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मनीष यादव पुत्र संतराज यादव निवासी ग्राम बजहा गुलेरिया बाजार थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 13 नवंबर को वादी मुकदमा सोनू द्वारा रेलवे गेट नंबर 5 से अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध
संबंध में तहरीर देकर सूचना देकर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। इस सूचना पर चौकी प्रभारी रेलवे अरविंद कुमार सिंह टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि आज ही शाम को यह गाड़ी चोरी से रेलवे गेट नंबर 5 के सामने की दुकान से चुराया था तथा गाड़ी को एकांत में गेट संख्या 2 के सामने खड़ा करके रात्रि होने का इंतजार कर रहा था कि रात्रि होने के उपरांत गाड़ी लेकर अंडरपास कौवाबाग होते हुए अपने घर चला जाता कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उसने कहा कि अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए मैं चोरी जैसे अपराध करता हूं, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह, कांस्टेबल कृष्ण कुमार, अभिषेक सिंह शामिल रहे। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने धान खरीद पर कहा कि इस बार 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। 1 नवंबर से खरीदारी चल रही है। प्रदेश के सभी जनपदों में क्रय केंद्र को स्थापित कर दिया गया है। सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने जिलों में ज्यादा से ज्यादा धान की खरीदारी करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, 70 लाख मेट्रिक टन धान के खरीदारी का लक्ष्य है। खरीदारी शुरू हो गई है। 1 नवंबर से क्रय केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं और उसके बारे में भी समीक्षाएं की जा रही हैं। राजघाट पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान छोटू डोम पुत्र संजय डोम निवासी लालडिग्गी पार्क के निकट बंधा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 80 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौसादर को बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक कुंवर गौरव से कांस्टेबल रवि कुमार, देवेंद्र यादव शामिल रहे। तीन दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बॉल क्रीडा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का होने वाले आयोजन का सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्य अतिथि सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसके संबंध में जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जनपद के 21 ब्लॉकों स्कूलों के करीब 3000 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इस प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, खो खो, अन्य विभिन्न तरह तरह के खेल खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां से जो भी बच्चे विजेता होंगे वह 21-22-23 को कुशीनगर में मंडल स्तरीय होने वाली प्रतियोगिता में जाएंगे। मंडल स्तरीय विजेता होने के बाद स्टेट लेवल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में पहले दिन बालक वर्ग और बालिका वर्ग को 600 मीटर रेस किया। वहीं सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने बताया कि जब एक अच्छी सोच की सरकार बनती है तो विद्यालयों में खेलकूद का कार्यक्रम कराया जा रहा है ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो और अपने जीवन में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ बच्चा भी ओलंपिक खेल खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। इस अवसर पर बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक अकरम परवेज, प्रेम नारायण गुप्ता, विनय मल, शकुंतला राव, बबीता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह एवं सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, इसके चलते हम लोग अभिभूत हैं क्योंकि लगातार यहाँ उन्होंने अपने हैं इसका हमें आभास करा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो सहिष्णुता का भाव आया है, मैं चाहता हूँ करतल ध्वनि से माननीय विधायक जी का हम सब स्वागत अभिनंदन करते हैं। Show.
ऐतिहासिक तौर खोराबार के द्वारा है। आनंद लीजिए इस म्यूजिकल प्रोग्राम का, तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों को। मंडलीय अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल संघ से आपसे अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में आप हमारे मुख्य हैं, वो अपलक दृष्टि से इन्होंने कार्यक्रम को देखने के लिए सभी दर्शकों को मजबूर कर दिया। इसमें इनके विद्यालय की अनुदेशक साथी का बहुत ही बड़ा योगदान है और उन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा और प्रस्तुति की। अन्य मुख्य अतिथि बच्चों के उत्साह को बढ़ाते हुए और आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि नेशनल स्टेडियम गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एडी बेसिक सतप्रकाश त्रिपाठी जी सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हुए, बस यह जो पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिता हो रहे हैं जिससे हमारी जो प्रतिभा जो गांव-गांव में दबी और छिपी प्रतिभा है वो इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा आगे आकर गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश यही प्रतिभा जब जाएगी तो पूरे भारत में नाम होगा। और इसलिए मैं शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों का सभी विभाग के पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं। अभी खेलकूद को लेके अभी जब एक अच्छी सरकार बनती है तो विकास के साथ साथ एक अच्छी लोगों की सोच आती है जिससे आज हमारे हर विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कराया जा रहा है, हर प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। अभी कल मैं अपने विधानसभा में पाली ब्लॉक के डुमरी में एक विद्यालय में इसी कार्यक्रम में था, मैंने वह दृश्य देखा। गांव में वो होनहार बच्चे जिनमें वो प्रतिभा है उस विद्यालय के द्वारा जब मुझे जानकारी मिली, मैंने जानकारी लिया कि उसमें जो शुल्क आता है उस शुल्क से वो प्रोग्राम नहीं हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक ही एक पिता के तरह एक शिक्षक होता है जो व्यवस्था करके वो चाहता है कि मेरे स्कूल का बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, ऐसी प्रतिभा में ऐसे प्रतियोगिताओं में कार्यक्रम करके वो मंडल स्तर पे जाए, जिले स्तर पे जाए और पूरे उत्तर प्रदेश सहित वो बच्चा नाम करे। यह सभी शिक्षकों को इस कार्यक्रम को लेके मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जितने विद्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में ऐसे मैदान तैयार किए जा रहे हैं जहां पे ओपन जिम खोला जा रहा है। आज हर ब्लॉक में अभी महाराज जी ने शुरुआत किया है जंगल कोड़िया में मिनी स्टेडियम बनवाकर। प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ आप अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के द्वारा आदरणीय और उन्हें यह एहसास के लिए किया और सदैव यह अंग आपसे सहयोग सिंह, जिला व्यायाम शिक्षिका बेसिक शिक्षा गोरखपुर। आज 14 नवंबर को हमारे जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रारंभ हुई जो 3 दिन तक चलेगी, 14, 15, 16 नवंबर तक। 16 नवंबर को समापन है
और जो बच्चे जीतेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें हमारे पूरे ज़िले के 21 ब्लॉकों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें लगभग 3000 बच्चे प्रतिभाग किए हैं विभिन्न गेमों में, जैसे एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, खो खो है, कबड्डी है, जूडो है, कुश्ती है, विभिन्न गेम हैं। और आज चूँकि हमारे उद्घाटन हुआ और उसके बाद हमारे हीट वगैरह है 600 मीटर की, और कल सुबह से हमारे टीम गेम शुरू हो जाएंगे 9 बजे से और शाम 6 बजे तक, और बाकी और इवेंट्स जो हैं 16 को होंगे, और उसी दिन समापन समारोह भी है। और इस तरह हम जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे वो मंडल में जाएंगे, 21 22 23 नवंबर को कुशीनगर में मंडल की प्रतियोगिता है, फिर वहाँ से जो बच्चे जीतेंगे वो स्टेट लेवल पर जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे गोरखपुर का नाम रोशन करें, इसी तरह प्रतियोगिता है और लोगों का सहयोग होता रहे। हमारे जितने भी व्यायाम शिक्षक हैं काफ़ी कोऑपरेट किए, हमारे मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किसके द्वारा समापन किया जाएगा? ये हमारे माननीय विधायक माननीय महेंद्र पाल सिंह के द्वारा जो है समापन समारोह होगा। आज उद्घाटन हमारे माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी सहजनवा के हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। और आने वाले दिनों में और भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी हमारे जो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल के खिलाड़ी हैं बीच बीच में आके उनका सहयोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, इसी तरह हम खेल को सहयोग से करा रहे हैं। यह कार्यक्रम हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकार जब बनती है, अच्छी सोच की सरकार बनती है, तो आज हमारे हर विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जैसे हमारी गाँव की जो दबी प्रतिभा है, जो दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ बच्चा भी ओलंपिक खेल ले, वह पूरे देश में नाम करे, उत्तर प्रदेश में नाम करे, कहीं ना कहीं ये उसका उदाहरण है। आप सभी जिस डुमरी में विद्यालय में ऐसे जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे ब्लॉक स्तर में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें डुमरी के एक विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा था, मैंने देखा कि जो गांव में प्रतिभा एक राम और श्याम नाम के जुड़वा भाई वो जो गाना गा रहे थे, मैंने वहाँ कहा यह दोनों भाई ऐसे ही टीवी के स्क्रीन पर देखेंगे, जनता यहाँ की देखेगी। इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इन बच्चियों को खूब आशीर्वाद के और आगे बढ़े और पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में नाम करें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेल के बाहर की दुनिया देखने को अब तरसेंगे यूपी के दुर्दांत अपराधी, जेल से ही होगी दुर्दांत अपराधियों की कोर्ट में पेशी और ट्रायल। सीएम योगी ने प्रदेश की हर जेल और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 5G का होगा इस्तेमाल। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी करीब 400 लोगों की समस्या, फरियादियों को दिया भरोसा, कहा मत करें चिंता, हल होगी आप सबकी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गोरखपुर समेत 4 मंडलों की रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में बोले सीएम योगी, कहा तकनीकी का प्रयोग व प्राकृतिक खेती आज की है आवश्यकता, बागवानी सब्जी व सह फसली खेती की ओर भी अग्रसर हो किसान, देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% अकेले यूपी का है योगदान। सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 अपराधियों के ऊपर कैंपिरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित, कई बच्चों का किया अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन एवं डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई मधुमेह पदयात्रा, किया गया जन चेतना व्याख्यान का आयोजन। एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, डायबिटीज जैसी बीमारी को केवल कर सकते हैं कंट्रोल, पर यह बीमारी नहीं हो सकती है कभी खत्म। चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त मनीष यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लाख मीट्रिक टन धान की जाएगी प्रदेश में खरीदारी, 1 नवंबर से धान खरीद का कार्य है शुरू, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी जानकारी। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 80 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौसादर को किया बरामद, भेजा जेल। और
तीन दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का हुआ शुभारंभ। 21 ब्लॉकों स्कूलों के करीब 3000 बच्चों ने किया प्रतिभाग। कहा, खेलकूद से बच्चों का होता है शारीरिक और मानसिक विकास। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।